महाविकास अघाड़ी में जारी महाभारत और शरद पवार से खटपट के बाद अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ महीनों बाद दिखे तो महाराष्ट्र का सियासी पारा आसमान पर चढ़ गया। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद 23 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने साथ शपथ लेकर राजनीतिक कोहराम मचा दिया था। उसके बाद अब दोनों नेता पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मल्टी स्टोरी कोविड-19 अस्पताल के उद्घाटन समारोह में साथ दिखे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। पुणे में इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान डिप्टी सीएम अजित पवार साथ साथ दिखाई दिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया। सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के यहाँ कई दावे किए गए, लेकिन फिर अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर लोगों को हैरत में डाल दिया। हालांकि बाद में शरद पवार के हस्तक्षेप के बाद अजित फिर से एनसीपी में वापस लौटे और शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। इस पूरे घटनाक्रम के महीनों बाद शुक्रवार को एक बार फिर दोनों नेता साथ दिखाई दिए। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के एक बार फिर कार्यक्रम में मौजूद रहने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम फडणवीस ने पुणे जिले में अजित पवार द्वारा कराए गए कामों की तारीफ की, लेकिन शिवसेना की जमकर खिंचाई भी की। गौरतलब है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन शिवसेना ने जांच को लेकर मुंबई पुलिस पर ज्यादा भरोसा जताया था। मामला ज्यादा बढ़ा तो पार्थ पवार को शरद पवार की तरफ से डांट पड़ी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच को सही ठहराया गया और शिवसेना को झटका लगा। तब भी पार्थ ने सीबीआई जांच का स्वागत किया था। इसे लेकर भी राज्य की राजनीति में काफी कायसबाजी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।